कल ही हम जा रहे हैं कहीं, जहां तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी बैग की अभी कि मैंने क्या क्या बैग में डाला है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधा रावत सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और आज है बहुत बड़ा दिन फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे भोले बाबा की शादी है, तो सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने अपनी मंदिर की टोकरी तैयार कर ली है और बच्चे लोग भी देखो आज आ रहे हैं। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। तो बच्चे लोग रेडी है, रावत जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और हम जाएंगे 28 सेक्टर वाले मंदिर में, तो देखते हैं रश कितना है। और आज तो बहुत सारे काम है क्योंकि पैकिंग भी करनी है। पैकिंग इन द सेंस कि बस अब हम कल निकलेंगे और बस सारे काम ऑफिस के भी निपटाने हैं सब कुछ। वैसे तो आज छुट्टी वाला ही माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ काम है जो निपटाने, क्योंकि हम 4-5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा कुछ होगा। आज तो हर जगह लंगर लगे हुए, दूध मिल रहा है, आज भांग वाला घोटा मिलता है, लेकिन मेरा तो फास्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, हर जगह आज भोले बाबा की शादी की तैयारियां चल रही है, वो देख सकते हैं आप। हर जगह टेंट वेंट लग रहे हैं और बस उसके बाद फिर आज दूध के लंगर होते हैं बहुत ज्यादा। ये देखिए, अगर आप लोगों को याद हो और कोई मेरे साथ पहले से जुड़ा हो, मतलब एक साल पीछे से, तो लास्ट ईयर हम इस टाइम सकेतड़ी में थे, है ना? और सुबह सुबह गए थे हम 4 बजे, 4-5 बजे आई थिंक, और उसके बाद हमें 1:30 बजे नंबर आया था वहां पे। तो इस बार हम लोग यहीं पर जा रहे हैं क्योंकि फिर आके हमने ऑफिस भी जाना है और पैकिंग भी करनी है, शाम को फिर आके सारा करना है क्योंकि कल ही निकलेंगे हम लोग। कल बच्चों का लास्ट एग्जाम भी है और एग्जाम के बाद शाम को फिर हम निकलेंगे। तो बाकी तो आप लोगों से अपडेट होते रहेंगे बीच बीच में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले मंदिर जाके आते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, देखिए कितने सुंदर मेरी माता रानी का दरबार लग रहा है, इतनी प्यारी लग रही है महामाई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से फ्री हो गए। मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के पूजा की। वैसे बहुत सारे मंदिरों में तो इतनी हो, मतलब इतना रश है ना कि मतलब जल चढ़ाने में भी परेशानी है। हाँ, मैंने आराम से बैठ के पूजा की, तो बस पूजा हो गई। अब हम जा रहे हैं घर और अब करते हैं आगे का काम और मिलेंगे आपसे इवनिंग में। इन द इवनिंग। हाय फ्रेंड्स, घर आने के बाद फिर मैं चली गई थी ऑफिस क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे मार्केट का भी काम था। तो वैसे तो आज हॉलिडे वाला ही फील था, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम था तो मैं ऑफिस चली गई। आने के बाद फिर
शाम को मैं एक्चुअली इसमें नमक नहीं खाती हूँ, जैसे मेरा शिवरात्रि का व्रत है तो मैं इसमें नमक वगैरह नहीं खाती हूँ। तो मैंने बनाना मतलब बनाना शेक बना लिया, और आलू बॉईल करके खा सकते हैं, तो थोड़े से मैंने आलू भी बॉईल किए, तो वो मैं फीके खाती हूँ, नमक नहीं डालती हूँ मैं। तो मोस्टली मैं ये और जो जन्माष्टमी वाला फास्ट होता है ये मैं ऐसे रखती हूँ। तो व्रत खुलेगा कल सुबह, और कल बनाएंगे आलू पूरी या छोले पूरी जो भी है, बिना लहसुन प्याज के। तो कल व्रत खुल जाएगा, और कल ही हम जा रहे हैं कहीं, जहाँ भी जा रहे हैं, और बच्चों का भी कल ही फाइनल एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी बैग की अभी मतलब अभी मैंने फाइनल नहीं किया, बट मैंने अटैची में एक बार डाल दिया है कि फिर इसमें मैं छटनी करूँगी फाइनली। तो अभी तो फिलहाल बच्चे सो रहे हैं, शिवन्या विदांशी सो गई है, शिवन्या भी सोने वाली है। तो मैं आप लोगों को अपना बैग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बैग में डाला है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये मेरी अटैची रेडी हो गई है फिलहाल, ये देख सकते हैं आप। और अभी ये बंद भी नहीं हो रही, और इसमें अभी मेरे पति देव के कोई कपड़े नहीं हैं। तो अभी देखो इसमें से क्या छटनी वटनी होती है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम से हमने जो सोचा था फाइनली वो सच हो रहा है, क्योंकि हमने 1 मंथ पहले ही बुकिंग करा दी थी टिकट, क्योंकि मिलना मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन हमें टिकट ही नहीं हो पा रही थी ट्रेन की। तो अभी फाइनली हमारी बुकिंग हो गई थी। जिस दिन मुझे पता चला कि बच्चों के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और कब से ख़त्म है, तो हम लोगों ने उसी दिन बुकिंग कर दी थी फ्रेंड्स। और इस बार का सफ़र होने वाला है ट्रेन से, तो मज़ा आने वाला है। मैं पहले थोड़ा कम ही बैठी हूँ, एक बार वहाँ गई थी शिमला गई थी टॉय ट्रेन में, और एक बार गई थी अमृतसर। तो बाकी देखो कैसा होता है नया सफ़र। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको जाने वाला सीन जब जाएंगे। बाकी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सुबह बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह के बाद फिर हम लोग जाएंगे। वैसे कल रात की है हमारी, बट कल का सारा दिन इन्हीं सब चीज़ों में जाने वाला है। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।